जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे आप सभी को उस डेट का, उस वीक का, उस मंथ का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार रिजल्ट कब से जारी होंगे, कब एमपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, कब फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा और कब जेल प्रहरी का आपका रिजल्ट आने वाला है। तो वो डेट फाइनली आप लोग मान सकते हैं कि जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट से आपके सारे रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे हुआ, आपको पता है काफी टाइम से ऐसा चल रहा था कि जीएडीओ सामान्य प्रशासन विभाग और पीईवी के बीच में यही चल रहा था कि 27-13 वाले फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी करना है और उसके लिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पीईवी को मंजूरी दे दी है कि आप लोग 27-13 वाले फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं, जिसमें 87% रिजल्ट आपका जारी होगा, 13% रिजल्ट आपका होल्ड रहेगा। अभी तक ये सिर्फ बातचीत चल रही थी, बाकी फाइनली आज ये कन्फर्म हो गया है कि और बोल दिया गया है कि जनवरी एंड या फरवरी, ज्यादा से ज्यादा फरवरी फर्स्ट से आपके कंटिन्यू जो एग्जाम्स का रिजल्ट होल्ड है उनके रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। अब उसमें हो सकता है कि आपके एमपी पुलिस को रिजल्ट देखने में 5 फरवरी, 7 या 10 फरवरी, फिर भी मान सकते हैं हम 10 फरवरी के पहले पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा और आपका जो फिजिकल की डेट आपकी कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि इसके पहले हमने देखा था पीएचक्यू ने ग्राउंड को लेकर भी निर्देश दिए थे, तो वो आप लोग मान सकते हैं कि सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है और मार्च फर्स्ट या फरवरी एंड से आपके फिजिकल भी प्रारंभ हो जाएंगे। अभी कई सारे बच्चे कंफ्यूज थे, सर ग्राउंड की साफ सफाई अभी स्टार्ट हो गई और ऐसा लग रहा है, तो वो अभी जो साफ सफाई चल रही थी वो चल रही थी आपकी 26 जनवरी को लेके। बाकी आप लोग मान सकते हैं आप ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है जेडी विभाग और पीईवी के बीच में कि आपका 87-13 वाले फॉर्मूले, जैसे पीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था 2019 का, वैसे ही आपका ये एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी रिजल्ट आपके जारी होने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है जनवरी एंड से या फरवरी फर्स्ट, अगर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है तो फरवरी फर्स्ट वीक से आपके रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे, कंटिन्यू आपके सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे, जो जो एग्जाम आपकी होल्ड हुई है जेल प्रहरी हुआ, आपका फॉरेस्ट गार्ड या आपका एमपी पुलिस, और खासकर वो स्टूडेंट जो एमपी पुलिस के फिजिकल का लोग आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो आप अभी से क्या करना है आपको, आपको फिजिकल की प्रिपरेशन आपको वैसे ही करना है जैसे आप लोग अभी तक करते आए, उसके लिए आपको रुकना नहीं है क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद बस क्या करना है, फिजिकली करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको पता है 15 से 20 दिन या हो सकता है 25 दिन का आपको टाइम मिले और 1 महीना, क्योंकि फरवरी वैसे 28 दिन का है, तो 1 महीना आप लोग मान सकते हो और 1 महीने को आपका टारगेट आप लोग बना लीजिए कि आपका टारगेट है, पहले आपका कैसा प्रैक्टिस चल रहा था, अभी आपको कैसे करना है, एक टाइम आप लोग कवर कर सकते हैं, दोनों टाइम करना पड़ेगा, कितना आप में एग्जाम का स्कोर है, सारी चीजें। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, नंबर आपके कितने भी आप लोग प्रिपरेशन करते आए तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि ओबीसी या जनरल, थोड़ा सा हो सकता है कट ऑफ ऊपर नीचे हो, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। और जो पीईबी और जीएडी के बीच में बात हुई उसका भी मैं पोस्ट इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या बातें हुई उसके अंदर, सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है, क्या बोला गया है, क्या क्या परमिशन देके रखी, कब तक आपके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारी चीजें आप पूरा डाउट आप लोग हटा दीजिए और बस प्रिपरेशन करते रहिए, फोकस करते रहिए अपनी तैयारी पर, क्योंकि फिजिकल के बिना फाइनल सिलेक्शन लेना आपका इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए दोनों टाइम, एक टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कि रिजल्ट देरी हो सकती है रिजल्ट को, तो एक टाइम तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।